आपका IBN 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हनी ट्रैप कांड की सूत्रधार रही जोया उर्फ मोनिसा डेविड को राजस्थान पुलिस देवास कोर्ट लेकर आई। जोया उर्फ मोनिसा डेविड को कोर्ट में पेश किया। जोया को राजस्थान पुलिस जब कोर्ट से लेकर बाहर निकली तो जोया ने मीडिया के सामने एक बार उसे जबरन फंसाने की बात कही। जोया ने कहा, पुलिस ने मेरे एक ही नंबर की कॉल डिटेल निकाली है, दूसरा नंबर नहीं निकाला। मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। जो षड्यंत्रकारी है वह आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि बाकी के आरोपी कहाँ हैं। महेंद्र जलोदिया, संतोष दबाड़े, मुकेश चौहान को पुलिस अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। किसी को कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देवास ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। कर दी गई ना सर, मेरे दो सिम नंबर थे, एक ही सिम नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई, एक और की निकालो। कुल जमा आपका कहना है, कुल जमा आपका कहना है कि षड्यंत्रकारी, उसमें वो दो ही के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। कुल जमा आपका कहना है षड्यंत्रकारी बाहर है। कुल जमा आपका ऐसा मानना है षड्यंत्रकारी बाहर है। जी बिल्कुल, आप इसमें इस आरोप में आप मुजरिम नहीं है। आप इसके लिए पवन चिंदौरिया के पक्ष में बयान दे सकते। आप मानते हैं पवन चिंदौरिया इसमें आरोपी है? पवन चिंदौरिया से आप बयान ले सकते हैं कि ये आरोपी नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे जेल में डालते हैं। एक मिडिल क्लास लड़की को जो किराए के मकान में रहती है उसको इतना बड़ा केस बना के जेल में डालते हैं, और जो लोग इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं वो लोग बाहर घूम रहे हैं आज भी। अभी राजस्थान पुलिस लेकर आपको क्यों पहुंची है देवास? अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।